लास्ट वीडियो में हमने इमेज शो कराई थी, इस वीडियो में हम राइट साइड का सेक्शन बनाएंगे जिसमें ये टाइटल आएगा, प्राइस आएगी और इसका स्पेसिफिकेशन आएगा। तो हम इसको राइट साइड वाले को डिज़ाइन करते हैं। एडिटर ओपन कर लेता हूँ। एडिटर के अंदर लिस्टिंग में मोबाइल रिव्यू, इस पर हम काम कर रहे थे, ये वाला पेज है हमारा। और जो राइट वाला सेक्शन है ये है, यहाँ से राइट सेक्शन हम फ्लिपकार्ट में जैसा ये दिया हुआ है इस तरह का डिज़ाइन करेंगे। पहले तो हम ये दो बटन बना लेते हैं, ऐड टू कार्ट एंड बाय बाय नाउ। तो ये वाले बटन कहाँ पे बनेंगे, ये वाले बटन बनेंगे इसके अंदर। बटन सेक्शन स्टार्ट, दो बटन बनाने हैं हमें, AHRF क्लास है, BTN लार्ज वेव इफेक्ट वेव लाइट, और इसका कलर कौन सा देंगे हम, कलर ऑरेंज ही दे देते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है, स्टाइल बैकग्राउंड ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज, इसको कर देते हैं ऐड टू कार्ट। और एक और बटन बनाते हैं, इसका भी कलर ऑरेंज होगा लेकिन इसको करेंगे बाय नाउ, बाय नाउ। कंट्रोल आर करते हैं, ये दो बटन आ गए हमारे, ये दोनों 50-50 किए हुए हैं। तो हम इनको कर देते हैं सेंटर, कहाँ पे है बटन, ये रहा, विड्थ है 100%, कंट्रोल आर 100%, तो ज़्यादा बड़ा हो गया, 50%, और इस वाले को कर देते हैं जो दूसरा बायना वाला बटन है, इसकी विड्थ होएगी, इसको 50% करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट लाइन में जाता है या इसी लाइन में रहता है ये, कंट्रोल आर, ये चले गया नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो इसको कर देते हैं 40%, ठीक है, ये 50% हो गया और ये 40% हो गया। जो बाय नाउ वाला बटन है इसको हम कलर इसका थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि दोनों सेम कलर हो गए, ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक, ठीक है। बाय नाउ वाला ये वाला बटन है और ऐड टू कार्ट वाला ये वाला बटन, ठीक है, हमारे बटन तो हो गए ऐड। अगर हम इसमें चाहें तो आइकन भी लगा सकते हैं, इसमें आइकन 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 ये रहा, स्पैन टैग लगाते हैं, स्पैन क्लास फा शॉपिंग कार्ट, स्पैन क्लोज कंट्रोल आर, ये शॉपिंग कार्ट का चिन्ह आ गया इसके अंदर। स्पेस दे देते थोड़ा सा, NBSP लगा दिया एक, ठीक है। और जो बाय नाउ वाला है इसमें कौन सा आइकन दिया हुआ है इनने, ये आइकन का क्या नाम है, बाय को क्या करें, डॉलर दे देते, इसमें डॉलर का साइन दे देते हैं। स्पेन क्लास फा INR, कंट्रोल आर किया, ठीक है, बाय नाउ का बटन आ गया और ये आ गया, इसमें आइकन भी आ गए फोन पर सब। अब हमारे को क्या करना है, जो राइट साइड में ये इसका टाइटल वगैरह ये दिया हुआ है, पहले तो हम ये लिंक बनाते हैं कि मेन, जैसे ये हमारा होम पेज होगा, होम पेज के अंदर कैटेगरी होगी, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी के अंदर टाइटल होगा। तो ये राइट वाला सेक्शन कहाँ से, यहाँ से लिंक सेक्शन स्टार्ट,
लिंक सेक्शन एंड। इसको लिखते हैं पी का टैग बनाते हैं पैराग्राफ के अंदर। सबसे पहले लिखते हैं HRF, इसमें आएगा होम। होम के बाद कौन से चिन्ह लगे हुए हैं इसके अंदर? होम के बाद इसमें लगा हुआ है स्पैन टैग लगाते हैं हम। स्पैन क्लास फा फा एंगल राइट। कंट्रोल आर करते हैं। एक तो पेज लोड होने में बहुत टाइम लगा था, ठीक है ये चिन्ह आ गया एंगल राइट एंगल का चिन्ह आ गया। सो कर देते हैं NBSP। होम के बाद हम हमारी होम जो होम पेज है हमारी वेबसाइट का शॉप शॉप के अंदर हमारे को ओपन करना है होम। यह हमारा होम पेज है। हमारे पास कैटेगरी कौन सी है? मोबाइल वाली कैटेगरी है, तो कैटेगरी में आ जाएगा मोबाइल। होम हो गया मेन पेज। मेन पेज के बाद आता है कैटेगरी। HRF मोबाइल्स, और मोबाइल्स के बाद आएगा ब्रांड नेम। जो भी हमारा ब्रांड नेम होगा वो ब्रांड नेम हम यहाँ पे दे देते हैं। स्पैन क्लास फा फा राइट एंगल स्पैन क्लोज, इसमें देखते हैं HRF। ब्रांड नेम हमारे पास डेटाबेस में ब्रांड नेम, और ब्रांड नेम के बाद में आएगा टाइटल। जो भी इसका टाइटल होगा एंगल राइट स्पैन क्लोज, इसका जो भी टाइटल होगा वो टाइटल हम इसमें दे देंगे, ठीक है। तो एक बार इसको कंट्रोल आर करते हैं, ठीक है ये आ गया हमारा। इसमें एक स्पेस नहीं दो स्पेस लगा देते हैं। तो NBSP कॉपी करके कॉपी किया पेस्ट पेस्ट किया, ठीक है दो बार हो गया। एक दो दो बार यहाँ पे पेस्ट किया, दो बार यहाँ पे किया, और दो बार यहाँ पे पेस्ट किया, और दो बार हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है कंट्रोल आर करते हैं, ठीक है। अब ये एकदम से खुला खुला दिख रहा है, स्पेस ज़्यादा दिख रहा है अब इसके अंदर। अब हमारे को क्या करना है, जो ये कलर है इसका कलर सेट कर देते हैं। स्टाइल कलर सिल्वर कर देते हैं, कंट्रोल आर, ठीक है सिल्वर कलर हो गया। कॉपी पेस्ट मोबाइल के बाद ब्रांड, और ब्रांड नेम के बाद आएगा टाइटल। टाइटल होगा ब्लैक कलर का, ठीक है। ब्रांड नेम को शो करवाते हैं क्योंकि हमारे पास ID आ रही है, ब्रांड नेम को हम कराते हैं शो। किस नाम से वैल्यू आ रही है हमारे पास? मोबाइल मोबाइल के नाम से, ठीक है। इसमें लिखते हैं डॉलर मोबाइल। मोबाइल के अंदर डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ मैं। ये मैंने डेटाबेस ओपन कर लिया, और ब्रांड नेम हमारा क्या है, ये रहा मोबाइल ब्रांड। तो हम इसमें देंगे मोबाइल ब्रांड। इसको करते हैं कंट्रोल आर। MI आ गया इसके अंदर ऑटोमेटिक। ब्रांड जो भी ब्रांड होगा ब्रांड नेम आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देते हैं हम टाइटल, इसमें शो करा देते हैं हम मोबाइल टाइटल, कंट्रोल आर। ये हमारे मोबाइल का टाइटल है, ये टाइटल इस जगह आ रहा है, ठीक है। अब हमारे को क्या चीज़ शो करवानी है, इसके बाद हमारे को टाइटल शो करवाना है। अभी तो हमने एड्रेस शो कराया है कि वेबसाइट का एड्रेस क्या है, कैसे कैसे ये हमारे को लेके आ रहा है। पहले होम पेज पे गया, फिर मोबाइल कैटेगरी पे गया, फिर MI की ब्रांड पे गया, फिर उसके बाद ये टाइटल निकाल के दे रहा है।
अब हम करेंगे ये जो मेन टाइटल आ रहा है इसको शो करेंगे हम, पी के बाद इसको शो करेंगे हम एच फाइव में करेंगे। मोबाइल, मोबाइल के बाद मोबाइल टाइटल, कंट्रोल आर, ठीक है हमारा मोबाइल का टाइटल हो गया। एम आई मोबाइल नोट फाइव एस फाइव प्रो, 32 GB, 3 GB और 16 GB, ये वाला हो गया। अब इसके बाद हमारे को शो करनी है इसकी प्राइस, प्राइस शो करनी है। अब हमारे को यहाँ पे हम डिस्काउंट भी दे देते हैं कि कितना परसेंट इसको डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट वाला कॉलम कौन सा है हमारा, डिस्काउंट, डिस्काउंट किधर है, डिस्काउंट ऑफर, ठीक है ये रहा डिस्काउंट ऑफर, ये वाला सेक्शन है, इसको कहाँ पे शो करवाना है, ये रहा एक्स्ट्रा, इतने परसेंट ऑफ कर देते हैं। यह है प्राइस से ऊपर, जो प्राइस का टैग है वो H4 होगा क्योंकि बड़ा टैग, इसको बड़ी साइज के अंदर शो करना है। मोबाइल, मोबाइल के बाद मोबाइल प्राइस, नाम चेक कर लेते हैं एक बार किस नाम से है इसकी प्राइस, मोबाइल प्राइस के नाम से ही है। कंट्रोल आर, 12,699 आ गया। तो ये जो 12,699 आ रहा है इसमें कोमा वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, तो हमें पता नहीं लग रहा कितने नंबर लिखे हुए हैं। जैसे 12,000 को हम लिखते हैं 12,000, फिर यहाँ पे हम कोमा लगाते हैं, फिर 699 लिखा हुआ आता है। ये कैसे करेंगे, हम इसमें लगाएंगे नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट फंक्शन लगाया इसके अंदर, इस वैल्यू को कर देंगे इनसाइड, इस वैल्यू को कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कोमा लगा देगा एक, ये हो गया 12,699 रुपये। जैसे जैसे इस तरह इसके अंदर भी कोमा आ रहा है वैसे हमारे पास भी आ रहा है। इसके आगे एक आइकन लगा रखा है इन्होंने, हम भी आइकन लगा देते हैं, स्पेन क्लास फा फा INR, स्पेन क्लोज NBSP, कंट्रोल आर, और ये डिस्काउंट वाला ऑप्शन हम इसके ऊपर देते हैं। डिस्काउंट वाला S6 में लिखा हुआ है, इसकी फॉन्ट साइज हम छोटी कर देंगे। ऑफर, ऑफर दिया हुआ है मोबाइल, ऑफर का क्या नाम है, डिस्काउंट ऑफर, डिस्काउंट ऑफर, कंट्रोल आर, ये डिस ऑफर में आ गया 5%। अब इसके आगे परसेंट का चिन्ह दे, परसेंट में दे रहे हैं हम इसे, तो परसेंट हम लगा देते हैं 5% ऑफ। जो हमने ये ऑफर दिया है इसको कर देते हैं हम, इसको हाईलाइट करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑफर है, तो इसको स्पेन क्लास BADGE, बेज, बेज को कर देते हैं GRWN, ग्रीन वाइट टेक्स्ट, और हम इसको यहाँ तक स्पेन क्लोज किया, कंट्रोल आर, ये तो इस साइड चले गया, इसको करते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट, 5% ऑफ, और जो हमने ऑफर लगाया है इसको तो कर देते हैं रिमूव क्योंकि ये तो काम आएगा ही नहीं, कंट्रोल आर, ऑटोमेटिक आ गया इस पर 5% ऑफ। ये तो राइट लेफ्ट ही देना पड़ेगा, कंट्रोल आर, और यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक लाइन, ठीक है 5% ऑफ हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या शो करना है,
ये चीज़ तो हम लाइव होगा, यूज़र को दिखेगा तभी शो कराएंगे। अब हमें शो करना है हाईलाइट। हाईलाइट इसमें क्या क्या चीज़ है, तो हाईलाइट किस में शो करते हैं, इसके नीचे स्टार्ट कर लेते हैं हाईलाइट का ऑप्शन। हाईलाइट इंफॉर्मेशन शो सेक्शन स्टार्ट। कैसे दिया हुआ है हाईलाइट वाला ऑप्शन, हाईलाइट को बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, हाईलाइट को किया हुआ है इन्होंने बोल्ड। और फिर इसके आगे शो की हुई है, हम कर देते हैं H6 के अंदर, H6 में बोल्ड टैग लगा देते हैं, इसमें लिखते हैं हाईलाइट, कंट्रोल आर, और इसका कलर कर देते हैं हम ग्रे, स्टाइल कलर ग्रे, कंट्रोल आर। और इसमें हम बनाएंगे li टैग, ULLI, li के अंदर सबसे पहले इसने क्या दिखाया है, इसने दिखाया है रैम और रोम, तो मोबाइल रैम डेटाबेस में आते हैं, रैम रैम कहाँ पर है, हमारे रैम को देखते पहले, तो मोबाइल ब्रांड, रेजोल्यूशन टाइप, डिस्प्ले टाइप, जेरा, मोबाइल रैम, इंटरनल स्टोरेज, मोबाइल की रैम कितनी है, मोबाइल रैम के नाम से कॉलम है, इसको लिखते हैं मोबाइल रैम, कंट्रोल आर, 3 GB। इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है स्पेस लगा के मोबाइल इंटरनल स्टोरेज शो कर रहा है, इसके बाद ये तो इंटरनल स्टोरेज के नाम से है मोबाइल ISTO, मोबाइल ISTO इंटरनल स्टोरेज, कंट्रोल आर, ठीक है, 3 GB हो गया, 32 GB आ गया। और इसके बाद ये शो कर रहा है एक्सपेंडेबल अप टू, जितनी भी एक्सपेंडेबल लगा सकते हैं, एक्सपेंडेबल का तो हमने ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है, इंटरनली है इसके अंदर, मेमोरी कार्ड है इसके अंदर, ठीक है, हमने ऑप्शन नहीं दिया कि कितने तक इसमें लगा सकते हो, ठीक है, इसको तो छोड़ देते हैं। इसके बाद है LCD की स्क्रीन कितनी, वो जो मोबाइल की स्क्रीन कितने साइज़ की है, तो मोबाइल की स्क्रीन का कहाँ है, ये रहा मोबाइल साइज डिस्प्ले साइज। नेक्स्ट LI बनाते हैं, LI मोबाइल डिस्प्ले साइज, कंट्रोल आर, 5 इंच की डिस्प्ले है। और इसके बाद ये दिखा रहा है फुल HD डिस्प्ले, और डिस्प्ले का ये रिजोल्यूशन टाइप कौन सा है, रिजोल्यूशन टाइप बता देते हैं, मोबाइल रेजोल्यूशन टाइप फुल HD है, ठीक है। इसके बाद दिखा रहा है ये है रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा, हमारे पास भी ये वाला ऑप्शन है, कैमरा का किधर है, कैमरा कैमरा किस जगह से, ये रहा प्राइमरी कैमरा साइज और सेकेंडरी कैमरा साइज, ठीक है, लिखते हैं इसके अंदर हम LI मोबाइल
प्राइमरी कैमरा साइज, क्या नाम से बनाया हुआ वेरिएबल, प्राइमरी कैमरा साइज इसी नाम से है। कंट्रोल आर करते हैं, 16 MP इसने दिया हुआ, क्या लिखा हुआ है इसने, रियर कैमरा जो 16 MP का आ रहा है वो कौन सा है, RE रियर कैमरा। इसके बाद हम शो करेंगे सेकेंडरी कैमरा साइज, सेकेंडरी कैमरा साइज, कंट्रोल आर, 13 MP आ गया। तो इसको लिख देते हैं FRONT फ्रंट कैमरा, कंट्रोल आर, ठीक है फ्रंट कैमरा आ गया। अब इसके बाद इसने क्या बताया हुआ है, बैटरी की साइज़ बताई हुई है, तो हमारे पास बैटरी का वो बनाया हुआ है कॉलम एक LI बैटरी, किधर है हमारी येरी मोबाइल बैटरी 1500 AH की है, मोबाइल कॉलम का नाम है मोबाइल बैटरी के नाम से है, कहाँ गया, कंट्रोल आर, 1500 mAh बैटरी BATTERY बैटरी। और इसके बाद इसने प्रोसेसर दिया हुआ है कि इस साइज का प्रोसेसर लगा हुआ है। नेक्स्ट LI बनाते हैं, हमारे पास प्रोसेसर किधर है, प्रोसेसर येरा, प्रोसेसर साइज आ जाएगा, इसके बाद प्रोसेसर टाइप आ जाएगा। पहले तो हम बताएंगे इसको मोबाइल के प्रोसेसर, मोबाइल प्रोसेसर साइज बताएंगे, पहले तो मोबाइल पी साइज, कंट्रोल आर, एरर आ गया, मोबाइल पी साइज ऐसे लिखा हुआ है कॉलम, 2 GHz का है प्रोसेसर, और ये जो कितना है कौन सा है कोर कौन सा है इसका, तो इसके बाद हम बताएंगे इसको मोबाइल टाइप कौन सा, प्रोसेसर टाइप कौन सा है, ऑक्टा कोर है हेक्सा कोर है, मोबाइल पी टाइप, तो इसको लिखते हैं मोबाइल पी टाइप। जो ये इस वेरिएबल के बाद जो नाम आ रहे हैं ये सारे डेटाबेस के कॉलम है जहाँ से हम वैल्यू को उठा रहे हैं। रिफ्रेश किया, ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, ये तो हमारी हो गई हाईलाइट। इसके बाद हम शो करेंगे सेलर और डिस्क्रिप्शन, तो इस वाले वीडियो में तो शायद नहीं कर सकते क्योंकि तो बड़ा हो गया होगा, 23 मिनट का वीडियो हो गया। अभी तो हमने इसको सिंपल एकदम शो किया है, एकदम सिंपल, अभी इसको डिज़ाइन नहीं किया, अभी इसका कलर चेंज करेंगे, इसमें कुछ आइकन ऐड करना है। तो ये वाला सेक्शन भी हमने आज इसका स्टार्ट तो हमने कर दिया, हाईलाइट तक कर दिया, इसके बाद सेलर की डिटेल आएगी, इसके बाद डिस्क्रिप्शन आएगा, और इसका जो मेन डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पूरा, ये व्यू ऑल फीचर जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, ये वाला भी हम शो करवाएंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे ये वाला काम शो। अभी तो हमने जो हाईलाइट इसकी चीज़ें थी, जैसे इसका टाइटल और इसकी प्राइस क्या है, प्रोसेसर कौन सा है, इसकी मेन मेन चीज़ें थी वो शो करवाइए, नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा स्पेसिफिकेशन शो करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।